हरियाणा पर्यटन विभाग के चेयरमैन जगदीश चोपड़ा ने कहा कि 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य एवं शानदार होना चाहिए। योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने पर भारत का मान दुनिया में बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने से भारत की पहचान विश्व गुरु के रूप में दोबारा हुई है। चेयरमैन जगदीश चोपड़ा मंगलवार को लघु सचिवालय में सभागार में 21 जून को 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योग देश की बड़ी उपलब्धि है। यह धर्म विशेष का न होकर के सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला अभियान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, जो अपने आप में एक अनूठी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पूरी दुनिया ने आज योग के महत्व को जाना है और इसे अपनाने के लिए आगे आए हैं। योग हमारी प्राचीन संस्कृति और धरोहर है। विश्व स्तर पर इसे मनाया जाना हमारे लिए गौरव की बात है। पल पल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। उसमें ये है कि हमने भी हमारे हरियाणा गांव से जो चलेंगे उनकी वो टाइम भी कंज्यूम होगा रास्ते में, पर समय पर यहाँ पर आ जाए। हमने जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं उनको यहाँ पे आने का क्या समय निश्चित किया है, किन किन के माध्यम से भी कर लें, पर जो आपको उचित लगता हो वो आप इसमें निर्णय कर लें। लेकिन ये है कि अपना सभी का लक्ष्य एक है कि जितनी अपनी संख्या है वो सारी की सारी आए और टाइमली आए और उनको कोई हरासमेंट भी ना हो। कि किस तरह की तैयारियां हैं और किस प्रकार की समीक्षा की गई? जैसा कि सर्वविदित है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और फतेहाबाद जिला भी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज यहाँ पर फतेहाबाद जिला के 3 विधानसभाओं में इसके बहुत अच्छे आयोजन के लिए बैठक हुई है, जिसमें जिला प्रशासन के संबंधित समस्त अधिकारीगण, एनजीओस, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली जनसेवी संस्थाएं और अन्य वो लोग जिनका योग में आकर्षण है, उन सभी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। पूरी रूपरेखा सभी के सामने रखी गई और उसके पश्चात एक एक योजना पर, एक एक जितने भी कार्यक्रम में जो भागीदारी हैं और वो होने वाले हैं, उन सभी पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई और इसमें सभी प्रबंधन जो हैं वो भी स्टीक रहें, उस पर भी सारा विचार विमर्श हुआ। और अंत में इसमें समीक्षा करते हुए माननीय उपायुक्त महोदय ने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने और सभी जितने भी संबंधित अधिकारीगण भी थे और जो जनसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि थे, उन सभी ने इसमें विश्वास दिलाया कि फतेहाबाद का आयोजन भव्य होगा, यशस्वी होगा और हरियाणा में सबसे अच्छा होगा। यहाँ की जितनी भी तैयारियाँ हैं उसमें लगता है कि बहुत स्टीक और प्रभावी रहने वाली हैं और यह आयोजन अपने आप में अपूर्व और अभूतपूर्व होगा। शुक्रिया।